सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये है पिनाकल वेइंग स्केल और मैंने इस पे रखा है 1 kg और वजन दिखा रहा है इसमें मतलब 6 ग्राम 5 ग्राम कम दिखा रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हमको इसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो पहले तो प्लेटफॉर्म पे कुछ वजन होना नहीं चाहिए और अगर वजन दिखा रहा है तो आपका फैन वगैरह सब बंद कर देना है और फिर 0 आ जाने के बाद इस पे 1 kg का वजन रखना है। वजन रखने के बाद एम प्लस को दबा के रखना है और बाद में मोड़ को एक बार दबाना है। ऐसा करते ही आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि पासवर्ड शो हो जाएगा। फिर एक बार टैर दबाना है, टैर दबाने के बाद इसमें 5-0 लिख के आ जाएगा। 5-0 लिख के आ जाने के बाद मोड़ से इसका वजन लिखा जाता है, तो मोड़ हम एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 दिखाई देगा हमको। और ये 1 को आगे लेने के लिए हमें एमआर से आगे लेना है, तो एमआर का बटन दबा के इसको 1 को आगे लेना है और यहाँ पे 1000 ग्राम लिखना है। 1000 ग्राम लिखा हुआ आ जाने के बाद आपको टैर दबाना है। टैर दबाते ही ये वजन जो हमने ऊपर रखा है वो सेव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 किलो वजन दिखा रहा है, तो जो पहले जो 5 ग्राम की जो एरर थी वो हमने निकाल दी है। तो पिनाकल वेइंग स्केल का कैलिब्रेशन ऐसे किया जाता है। दोस्तों पिनाकल वेइंग स्केल का प्रोग्राम कैसे सेटिंग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कांटे को स्टार्ट करना है और ऊपर कुछ ऐसा लिख के आता है, फिर सब 8-8 हो जाता है। तो इस टाइप के प्रोग्राम में कांटे को बंद करके एमआर का जो बटन है उसको दबा के स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते ही पासवर्ड लिख के आ जाएगा, उसके बाद टैर दबाना है तो उससे प्रोग्राम आगे जाएगा। टैर दबाते ही L1 0 आ जाएगा, आगे जाना है L2 0 आ जाएगा, आगे जाना है L3 0 आ जाएगा, फिर Gain 2 आएगा। उसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है। और फिर टैर दबाना है तो NF1 आ जाएगा, तो NF1 से KG में आएगा। अगर NF2 या 3 करते हो तो KG या पीस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे KG में रखने के लिए NF1 रखेंगे, ठीक है। टैर दबाते ही DIS 1 आ जाएगा। आगे DAT 0 में कुछ करना नहीं है, AUTO 0 3 रखना है। उससे क्या होता है, जो पवन वगैरह लगता है, हवा लगती है, तो उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से सेट होती है। अगर हम 3 रखते हैं तो मीडियम होगा, पवन से कांटा हिलेगा नहीं बहुत। आगे जाना है, यहाँ पे हमें 3 रखना है। डमी 0 है, जैसे कि हम 100 kg का कांटा सेट करते हैं तो उसमें 1 0 डमी रहता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं रखना है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 ही रखेंगे। और एम प्लस से आप लिख सकते हैं कुछ भी, और फिर टैर दबाना। कैपेसिटी 1, तो कैपेसिटी 1 में हमें 10 किलो सेट करना है तो हमें यहाँ पे 10,000 लिखना पड़ेगा। फिर टैर DP जो है वो पीछे से हम गिनते हैं तो 4 होता है, तो यहाँ पे DP रखने के लिए 4। FD का मतलब होता है एक्यूरेसी, तो यहाँ पे हम 1 ग्राम का काउंट रखना चाहते हैं तो FD 1 1। कैपेसिटी 2 में हम 20 किलो सेट करेंगे और DP 4 करेंगे, तो 20 किलो के लिए हम यहाँ 20,000 लिखना है। ये DP यहाँ पे रखना है, ठीक है। DP 4। FD 2 में हम 2 ग्राम रखना चाहेंगे इसलिए 2। कैपेसिटी 3 में 30 kg, ऊपर 45 ग्राम ज़्यादा रखेंगे। DP 4
FD यहाँ पे 5 ग्राम का अकाउंट, इसलिए 5 LITD, उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है। फिर काटा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने इस काटे का कैलिब्रेशन भी किया और प्रोग्राम भी सेट किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।